पीटीआई का प्लान भी सामने आ गया। कारकुनान के डी चौक में पहुंचने के बाद पीटीआई मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो चुकी है। पीटीआई ने मुल्क भर से कारकुनान को डी चौक में धरने के लिए बुला लिया है। पीटीआई ने राबते किए और नॉर्थ पंजाब खासकर अटक मियांवाली जेलम उसला बखर के तमाम इलाकों से कारकुनान को फौरन डी चौक पहुंचने की हिदायत जारी कर दी गई। उसके अलावा एबटाबाद चार सदा और उसके अलावा हरिपुर के तमाम जो इलाके हैं उनके कारकुनान को और वहाँ पे बल्दियाती नुमाइंदों की हिदायत जारी कर दी गई है कि वो जल्द से जल्द अपने कारकुनान को लेकर डी चौक पहुंचे और वहाँ पे पहले से मौजूद कारकुनान के साथ जाकर एहतजाज में हिस्सा लें और जब तक इमरान खान को अमीन गंडापुर को रिहा नहीं किया जाता और जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता तब तक वहाँ पे एहतजाज किया जाएगा। और उसके बाद पीटीआई ने बलोचिस्तान और सिंध की जो तंजीम है उनको राबता करके ये कह दिया को आज 12 बजे से तमाम अजला के अंदर एहतजाज की तैयारी करें। और पीटीआई ने उसके अलावा जो फाटक के तमाम वहाँ पे जिरगे हैं उनके तमाम जो कौमे हैं उसके अलावा जो जनूबी अजला हैं केपीके के वहाँ पे तमाम जिरगों से कौमे से राबते मुकम्मल कर लिए। उनका प्लान मुकम्मल हो चुका और प्लान सी के तहत तमाम पाकिस्तान को जाम कर दिया जाएगा और डी चौक के अंदर तमाम के तमाम जो काफिले खासकर पिंडी डिवीन से एबटाबाद से पहुंचेंगे और वहाँ पे पार्लियामेंट और डी चौक वो तमाम इलाकों का कंट्रोल संभालेंगे और उस वक्त तक वहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक इमरान खान अली अमीन को रिहा नहीं किया जाता।